सो गाइस, जैसे कि तुम लोग जानते हो, अभिनव अरोरा को यहाँ पे बहुत हर जगह से ट्रोल मारा जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। सो गाइस, आप लोगों को बता दूँ, आज दिवाली है और सबसे पहले तो सब लोगों को हैप्पी दिवाली। और गाइस, आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे अभिनव अरोरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला है जिसके अंदर उन्होंने यूट्यूबर्स को यहाँ पर एक्सपोज किया या फिर यूट्यूबर्स पर थोड़ा बहुत वो भड़क चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने कंडीशन के बारे में बताया कि उनकी माँ जो है उन्हें घर के बाहर जाने नहीं दे रही, उनको धमकियाँ मिल रही है मारने वगैरह की। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है। उन्होंने क्या कुछ बोला, आप लोग खुद देख लो। आज दीपावली है तो मैं अपने घर पर अपने घर वालों के साथ खुशियां मना रही होंगी, दोस्तों रिश्तेदारों के घर जा रही होंगी, घर पर मिठाइयां लेकर के आ रही होंगी, बाजार की रौनक देख रही होंगी। लेकिन इस साल मुझे ये हक नहीं है क्योंकि क्या पता कौन मुझे या मेरे घर वालों को मार देगा। लेकिन शायद आप सभी यही चाहते थे, और अगर ऐसा नहीं चाहते थे तो आवाज उठाइए ना। मैंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, मैंने किसी के लिए अपशब्द नहीं बोला। क्या कृष्ण जी की भक्ति करना गुनाह है? क्या राधा राम लेना गुनाह है? गणेश विसर्जन के समय अगर मैं गणेश जी के लिए भावुक होकर के रो गया तो क्या मैंने गुनाह कर दिया? कुछ यूट्यूबर्स अपने कुछ पैसे और व्यूज कमाने के लिए मेरी रोस्ट वीडियो बना रही हैं और ऐसा एक्सपोज कर रही हैं जैसे मैं ओसामा बिन लादेन हूँ और ताज होटल को मेरे से खतरा हो। लेकिन ना तो मैं ओसामा बिन लादेन हूँ और ना ही ताज होटल को मेरे से खतरा है। मेरी मैया तो मुझे अकेले मंदिर तक भी नहीं जाने दे रही है। मेरी मैया कहती है कि मुझे कुछ हो ना जाए, लेकिन मेरा तो मानना है कि हो सकता है कि राधा रानी और कान्हा जी मेरी परीक्षा दे रही हूँ।